हेलो दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ऑनलाइन क्लास में इतना अच्छा रिस्पांस दिया, यानी 4 बैचेस हमारे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं जिसके अंदर आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग बहुत खुश होंगे। देखिए कंटेंट उसके अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कराने की। आज का जो ये वीडियो बनाया गया है बेसिकली इस चीज़ के लिए कि स्पेशल अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। अनाउंसमेंट ये है कि हमने अपना टारगेट बैच लॉन्च कर दिया है। टारगेट बैच जो आप लोग काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे, काफ़ी बच्चों के फ़ोन कॉल्स और डिमांड आ रहा था कि सर एक टारगेट बैच स्टार्ट करिए CGL 2018 के लिए। तो 2018 के लिए मैंने टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया है और टारगेट बैच की विशेष बात ये है कि CGL 2018 प्री से पहले ख़त्म हो जाएगा। यानी इसकी मेन बात ये है कि इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और वो मेन फीचर क्या है, वो ये है कि जैसे ही आप एडमिशन लेंगे इस बैच के अंदर, आपको तुरंत ही आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, यानी कंप्लीट क्लासेस विद एडवांस एंड अर्थमेटिक। एडवांस पार्ट के अंदर थोड़ी बात बता देता हूँ मैं आपको। एडवांस पार्ट के अंदर आपकी जो वीडियोस बनेंगी वो एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, लगभग सभी में 350 क्वेश्चन के करीब रहेंगे, 350 प्लस, कुछ ज़्यादा कुछ कम भी हो सकते हैं, पर लगभग 1400 क्वेश्चन के करीब टोटल आपको मिलेंगे सभी के अंदर मिला के, इन चारों के अंदर मिला के। और ये जो 1400 क्वेश्चन है ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन नहीं है। यानी देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको करना बहुत ज़रूरी है सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कुछ बच्चे 17 मेंस के हिसाब से तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं ऐसे पेपर में 190 प्लस नंबर लाया जाए, तो हमने कोशिश करी है कि इस क्लासेस में सारे उस टाइप के क्वेश्चन कराए जाएं जो आप पहले बार देखते हैं पेपर के अंदर। यानी कई क्वेश्चन आपने 17 में इसमें भी ऐसा होगा कि पहली बार देखे होंगे और आपको देख के लगा होगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले कभी नहीं देखा, तो वो सारे क्वेश्चन इस क्लासेस में डिस्कस किए गए हैं, यानी 17 मेंस टाइप के या उससे ऊपर लेवल के। अगर आप देखते हैं प्री और मेंस, मेंस लेवल से ऊपर बनाया गया है और प्री लेवल को ध्यान में रखते हुए भी बनाया गया है। तो ये जो टारगेट बैच है आपका, ठीक है, इसकी फीस मैं आपको बता देता हूँ। फीस हमने इसकी नॉमिनली रखी है 7000, जितनी हमने ऑनलाइन बैच की रखी थी। तो ये फीस इसकी 7000 रुपये है, ठीक है, जो आप फोन पे गूगल पे वगैरह से कर सकते हैं। और मेन बात ये है इसका ड्यूरेशन कुछ नहीं है, यानी ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जैसे काफ़ी आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये चाहते थे कि सर हम अपने हिसाब से कोर्स कर लें, यानी एक दिन में 4 क्लासेस देख लें, एक दिन में 5 क्लासेस देख लें। कोई बच्चा कह रहा है कि मैं मई में ख़त्म करना चाहता हूँ, कोई जून में ख़त्म करना चाहता है। तो ये कंप्लीट पैकेज है बेसिकली, और कंप्लीट पैकेज है इसको टारगेट रखते हुए CGL 2018 को। तो 2018 टारगेट बैच का जो बच्चे इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए अनाउंसमेंट थी। आज का जो सेशन था बेसिकली मैंने इसलिए लिया था, ठीक है। एडवांस लेवल और अर्थमेटिक लेवल दोनों में आपका अच्छा लेवल कराया गया है। और देखिए विश्वास वाली बात है, आप में से पहले काफ़ी बच्चे इतना विश्वास दे चुके हैं। देखिए ऑनलाइन बैचेज जो हमारे चलते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आपने एडमिशन लिया है और सभी खुश हैं और मेरे को पर्सनली मैसेज भी करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि भाई आप में से भी कोर्स जो भी लेता है मेरे को बताइए जरूर कि भाई यहाँ कहाँ कमी रह गई और क्या चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि मैंने नहीं कराई है। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कराई जाएँ और रेलिवेंट चीज़ें कराई जाएँ जो SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयारी कर रहे हैं, देखिए एग्ज़ाम आपका जून लास्ट या जुलाई में हो सकता है, 4 जून के आसपास जैसे डेट आया हुआ है, हो सकता है उसी टाइम हो जाए। अब डिपेंड करता है ये आप पे। अगर आप अपना कोर्स पहले पूरा करना चाहते हैं तो आप टारगेट बैच में एडमिशन लीजिए, और अगर आपका टारगेट जो है नेक्स्ट ईयर का है तो आप रेगुलर ऑनलाइन बैच में एडमिशन लीजिए। और रेगुलर ऑनलाइन बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं, वो आप फोन पे गूगल पे किसी के थ्रू आप कर सकते हैं, जिसमें डिस्काउंटेड ऑफर्स भी चलते रहते हैं, ठीक है। तो मेन बात यही बतानी थी मेरे को आपको कि टारगेट बैच हमने लॉन्च कर दिया है जिसका कोई ड्यूरेशन नहीं है, आप कभी भी खरीद सकते हैं। आज खरीदते हैं आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके मैंने बता दिए हैं, एडवांस पार्ट में इतने रहेंगे लगभग 1400 प्लस, ठीक है। और ये रेलिवेंट क्वेश्चन है और ये मेरी गारंटी है, आप ये सब करने के बाद आप डेफिनेट ये बात बोल देंगे कि भाई इतना मैंने कर लिया तो मेरा सिलेक्शन डेफिनेट हो जाएगा। पर मेन बात ये है केवल वही बच्चे परचेस करें जिनके अंदर एक अडेप्टेबिलिटी है। आप जो बच्चे ये 200 नंबर लाना चाहते हैं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई क्वेश्चन मैंने इसके अंदर अच्छे लेवल के भी रखे हैं, डिफिकल्ट लेवल के भी रखे हैं, ठीक है, जो पेपर की डिमांड है।
अगर आप चाहते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर का जैसा पेपर में आता था और जैसे आपके बुक में है वही क्वेश्चन कराया जाए, तो उसके बेस पे सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि वैसे स्टूडेंट ही परचेस करे जिनका टारगेट 190 प्लस या 200 है, क्योंकि वो स्टूडेंट मेहनत कर सकेंगे मेरे साथ भी और मुझे भी अच्छा लगेगा कुछ मुश्किल क्वेश्चन कराने के लिए, कि मैं और भी मुश्किल क्वेश्चन कराऊँ जिससे आपका थिंकिंग लेवल एक्सपेंड हो जाए। क्योंकि देखिए 17 मेंस के अंदर जो खास बात रही है वो यही रही है, जिस बच्चे का थिंकिंग लेवल अच्छा है, और मेन बात ये कहूँगा जिसका एडवांस लेवल अच्छा है एडवांस मैथ, वो बच्चा इजीली सिलेक्शन ले गया होगा। ठीक है, यानी उस बच्चे का रिजल्ट डेफिनेट आ जाएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा आप देखेंगे उस बच्चे का सिलेक्शन हो चुका होगा। ठीक है, तो एडवांस पार्ट बहुत अच्छा करना है, एडवांस पार्ट पे स्पेशल फोकस रखा गया है 17 मेंस के हिसाब से, उससे डबल लेवल पे ही रखा गया आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो अडेप्टेबिलिटी अगर आपके अंदर है तो डेफिनेट परचेज करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये अनाउंसमेंट थी आप लोगों की डिमांड पर, बहुत मुश्किल से बहुत टाइम बाद हमने ये बैच अनाउंस किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पर ये जरूर कहूँगा कि आपकी विशेष को फुलफिल जरूर करेगा। जय हिंद, गुड बाय।